प्रखंड के बैरवा स्थित बिरली एंड सेकेंडरी स्कूल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय के डायरेक्टर राम प्रवेश सहनी के द्वारा सभी सफल बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। बताते चले कि उक्त विद्यालय का छात्र प्रियांशु राज 4 से 21 सर्वाधिक अंक लाकर विद्यालय व परिवार का मान बढ़ाया है। इसी तरह शिवशंकर साने भी 4 से 17 अंक लाकर अपने गाँव में सबका चहेता बनने में कामयाबी हासिल किया। वही दीपक कुमार ने भी 4 से 2 अंक लाकर सफलता हासिल किया। साथ ही इन बेहतर अंक से सफल छात्रों को उनके माता पिता व अभिभावक मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया। इसी तरह सुमित कुमार 398, राहुल कुमार शाह 398, हेमा कुमारी 390, अनेक कुमार 390, सोनी कुमारी 380, हेमंत कुमार 371, अभिषेक कुमार 370, अनु कुमारी 368, अनिशा कुमारी 362, सतीश कुमार 361, पिंकी कुमारी 360, मोहम्मद कलामुद्दीन 352, शुभम कुमार 352, विक्की कुमार 341, पल्लवी प्रिया 330, प्रियंका कुमारी 326, विशाल कुमार 325, अंगद कुमार 318, रंजना कुमारी 317, अमन कुमार 315, प्रीति कुमारी 305, फूलो कुमारी 302, सुधांशु कुमार 300, प्रेम कुमार 300 समेत अन्य बच्चों ने बेहतर अंक लाकर इस ग्रामीण इलाके में कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं प्राचार्य सह डायरेक्टर राम प्रवेश सहनी ने कहा कि ग्रामीण इलाके के बच्चों ने बेहतर अंक लाकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। हमारी संस्था हर साल बेहतर प्रदर्शन करते आ रहा है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही हमारी प्रतिबद्धता है। इस अवसर पर अभिभावक ललित यादव, सरदार मनोज सिंह, मोहन यादव, शिक्षक देवेंद्र यादव, सुनील सिंह, मोहम्मद अब्दुल बारी, प्रमोद शाह, सरोज पास, राम ललित सहनी, विनोद यादव, ममता कुमारी, नीतू कुमारी, रंजना कुमारी व सोनी कुमारी समेत लोग बच्चों का उत्साहवर्धन किया। क्या नाम है आपका? प्रियांशु राज। कितना नंबर मिला है? 421। सबसे ज्यादा कौन से विषय में है? सबसे ज्यादा SST और साइंस में। साइंस में कैसा लग रहा है? अच्छा नंबर से आप पास किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आप तैयारी करते थे? 7-8 घंटा घर पर रीडिंग। अच्छा, और कौन से संस्थान से आप कोचिंग किए हैं? बिरलैंड सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। आगे लाइफ में क्या करना है? आगे लाइफ में डॉक्टर बनना। क्या नाम हुआ? मेरा शिवशंकर कुमार नाम है। कितना नंबर मिला आपको? मेरा 417 नंबर। अच्छा नंबर से आप पास किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। कैसे तैयारी कर रहे थे? मतलब पर डे 7 से 8 घंटा पढ़ते थे, और स्कूल में जो पढ़ाई होता था, मेरे जो मेकाबी टीचर राम प्रवेश सहनी है, जो मैथ का क्या कहते हैं ऑलराउंडर है मैथ का, जो मैथ हम 94 मार्क लाए हैं। 94 है मैथ में? मैथ में मेरा हाईएस्ट 94 है। अच्छा, टारगेट था 100 का। अच्छा, बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे अब जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे? बच्चों को हम वही कहेंगे कि पूरे संगति में ना जाए और पर डे 7-8 घंटा पढ़े। अच्छा, आगे क्या करना है लाइफ में? आगे मेरा एग्रीकल्चर करना है। नाम है आपका? दीपक कुमार। कितना नंबर आपको मिला? 402। 402 नंबर मिला है। कैसा लग रहा है, इतना अच्छा मार्क आया है आपको? बहुत अच्छा। कैसे तैयारी करते थे? पर डे 8 घंटा सेल्फ अटॉरिटी पढ़े थे, उसके बाद स्कूल आ सकते हैं। अच्छा, शिक्षकों का मार्गदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब सॉल्व अच्छे से तैयारी करवाए। आगे क्या करना है? NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का। हेमा कुमारी। कितना नंबर मिला आपको? 390। अच्छा अंक आप लाई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सफलता है, इनका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं राम प्रवेश सर को देना चाहूँगा। अच्छा, आगे क्या करना है लाइफ में? PPS का तैयारी करना है, उसमें PPS का एग्जाम होता है, इसको क्लियर करके IAS बनना है। IAS बनना है। IAS ही क्यों बनना है? इसलिए बनना है क्योंकि गरीबों और बेसहारे लोगों को मदद करना, जो बेसहारा है उनको मदद करना है और समाज की सेवा करना है। सोनी कुमारी। कितना नंबर आपको मिला? 380। कैसे तैयारी करते थे आप? 12-13 घंटा पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी भी करते थे। सबसे ज्यादा सहयोग किनका रहा? माता पिता और गुरुजनों को। अच्छा, कौन से संस्थान में आप पढ़ रहे थे, तैयारी किए हैं? बिरलैंड सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से तैयारी किए हैं। क्या करना है आगे लाइफ में? शिक्षिका बनना। शिक्षिका बनना है। हेमंत कुमार। कितना नंबर मिला आपको? 371। 371। अच्छा नंबर से आप पास किए हैं, सफलता का श्रेय किनको देंगे? मैं अपने माता पिता और राम प्रवेश सर को देना चाहूँगा। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे मुझे UPSC का तैयारी करना है और SP बनना है। SP बनना है। क्यों? क्योंकि आप समाज को और अपने गांव देशवासियों को सबको सहायता देंगे कि आप भी बनिए और गांव सबको। पुलिस डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है? हाँ। चलिए,
बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे जा कर के SP बने। क्या नाम है आपका? कितना नंबर मिला? 362। कैसे तैयारी करते थे आप? अच्छा, शिक्षकों का मार्गदर्शन कैसा रहा? आगे क्या करना है? डॉक्टर बनना है। कितना नंबर मिला आपको? 313। कैसा लग रहा है? सफलता अच्छा मिला है। क्या करना है लाइफ में? टीचर बनना है। टीचर ही क्यों बनना है? हमको बच्चा बढ़ाने में हमको अच्छा लगता है और बच्चा से हमको अच्छा मतलब पढ़ाई करना अच्छा लगता है और बच्चों से आपका लगाव है। चलिए, और श्रेय किनको देंगे? अपने माता पिता को, फिर अपने गुरु को। अच्छा, शिक्षकों का मार्गदर्शन कैसा रहा? अच्छा। बेहतर रहा। बताइए, आपके विद्यालय के बच्चे बेहतर प्रदर्शन किए हैं यहाँ पर, 400 प्लस कई बच्चों का नंबर आया है मैट्रिक में, तो कैसे इन बच्चों का आपने तैयारी करवाया? विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं इस उपलब्धि में, गरिमामय उपलब्धि में। सभी शिक्षकों की अहम भूमिका है, खासकर प्राचार्य जो है RP सहनी, उनकी अहम भूमिका है। वे सर्वांगिक विकास हित समय समय पर योजना बनाते हैं, सभी विषयों को विषयवार मासिक एग्जाम लेते हैं। इसके बाद पारितोषिक जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन छात्रों के लिए हौसला बुलंद करने के लिए कुछ पारितोषिक राशि के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान करते हैं, जिसके चलते बच्चों का हौसला बुलंद होते जाता है और जिसका ही नतीजा है कि दिन प्रतिदिन ये अपनी गरिमा को बढ़ाते जाते हैं और गुरुजनों और अपने पास पड़ोस देश समाज का मान ऊंचा करते जा रहे हैं। अभिभावकों को क्या कहेंगे जिनके बच्चे इस बार सेंटअप में होंगे, एग्जाम देंगे, तो उन अभिभावकों को क्या कहेंगे और किस तरह से उनको बच्चों को देखभाल करनी चाहिए? वैसे बच्चे को मैं इस तरह से देखभाल करना चाहूँगा कि पहले देखूँगा कि इसमें किस तरह की खामियाँ हैं, किस तरह की कमजोरी है, उस कमजोरी को पहले मैं अपने डायरी में अंकित करूँगा। उसके बाद हम उसको मासिक एग्जाम लेते हैं, यदि उसमें भी उसकी कमजोरी दिखाई देती है तो हम कमजोरियों को दूर करते हुए फिर नई नई योजना बनाते हैं। जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, अथक प्रयास करते रहते हैं जब तक वह अच्छे अंक प्राप्त करने लायक न हो जाए। बताइए, आप अभिभावक हैं, आपके दो बच्चे इस विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक से पास किए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मैं खुश हूँ। मेरे गांव समाज में जो यह विद्यालय ब्रिलियंट स्कूल है, जिनका प्रधानाचार्य RP सर है, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से अपनी बच्चा के प्रति बहुत मतलब सकारात्मक भावना से विद्यालय चला रहे हैं। बहुत ईमानदारी से बच्चे को अपने कर्तव्य से पूरे विद्यालय में, हमेशा इनका विद्यालय में बेहतर रिजल्ट सफलता आता है बच्चे को प्रति। अभिभावकों के लिए कुछ कहेंगे कि अभिभावकों को किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चे को सौ समय से स्कूल भेजना है, उनकी कापी को टास्क को जांचना है, विद्यालय में बच्चे समय से घर आवे, बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे, उनके प्रति गार्जियन को भी उसको बहुत देख रेख करना पड़ता है, और इनमें प्रधानाचार्य भी विद्यालय में जाने के बाद उनके जिम्मेवारी रहते हैं जो अच्छे से पढ़ावे, बच्चे के भविष्य के उज्जवल बना दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन यादव, बैरबही गांव जी। परीक्षा में यहाँ के जो बच्चे हैं बेहतर प्रदर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था। यह जो स्कूल है आपको ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल, एक ग्रामीण में रह के भी इतना अच्छा मिला जिसका कोई जवाब नहीं है सर। अच्छा, जो यहाँ का शिक्षा है वो बेहतर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभिभावकों को क्या कहेंगे जिनके बच्चे फिर जो आने वाले समय में बोर्ड में बैठेंगे जी, किस तरह से अभिभावकों को बच्चों के प्रति ख्याल रखना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छा ही रखेंगे सर, ये उम्मीद है हमको कि वो जो सर हैं स्कूल के, जो भी ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल के RP सर हैं, वो सब टीचर मिल के बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा रखेंगे ख्याल। क्या नाम हुआ आपका? चरणजीत सिंह। अहाँ के पोता अते अच्छा नंबर ले लगा, केना बुझाइए? बड़ा खुशी के बात भेल। मेहनत करे छला? है मेहनत करे छला? हाँ, मेहनत कर लगे तब न पाए लगा। अच्छा, की नाम मिले यहाँ के? चौधरी यादव। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।